नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे, आईबीएम टीवी 9 न्यूज़ और डब्ल्यूएच न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं उत्तर नागपुर आशी नगर जोन अंतर्गत आने वाले OCW कार्यालय में है। BSP के जो नगर सेवक है, माजी नगर सेवक, उनके नेतृत्व में आज OCW कार्यालय पर मोर्चा लाया गया है। आप देख सकते हो OCW प्रशासन मुर्दाबाद के नारे यहाँ BSP द्वारा लगाए जा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी द्वारा लगाया जा रहा है। यहाँ पे उत्तर नागपुर में जो पानी की समस्या, जो पानी की किल्लत आ रही है, उसी विषय को लेके, उसी समस्या को लेके आज ये बहुजन समाज पक्ष की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। आप देख सकते हो ये देख सकते हो, ये बहुजन समाज पक्ष के कार्यकर्ता है और नगर सेवक, माजी नगर सेवक भी है, उनके पति भी है, माजी नगर सेवक जो है उनके पति भी है। आप देख सकते हो, ये देख सकते हैं किस प्रकार से 24/7 ही योजना बस एक जुमला ऐसी एक फलक लगाया गया है। इस ये देख सकते हो, ये BSP के कार्यकर्ता है और ये OCW कार्यालय में जो आशी नगर जोन अंतर्गत, जो उत्तर नागपुर में आशी नगर जोन अंतर्गत महानगर पालिका का जो OCW कार्यालय है, वहाँ पे बहुजन समाज पक्ष की ओर से ये आंदोलन किया जा रहा है, पानी को लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि पिछले कई महीनों से उत्तर नागपुर में कमी यानी कम दबाव का नल को पानी आ रहा है। इस विषय को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। मैं बताऊंगा कि महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती है 14 अप्रैल, बड़ी धूमधाम से 2 साल के बाद मनाई जा रही है और उत्तर नागपुर में विशेष करके इंदौरा परिसर में महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती जो है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और 2 साल के बाद ये जयंती मनाई जा रही है और इंदौरा वासियों को पानी नहीं मिल रहा है, पानी की किल्लत जारी है। कई मर्तबा बहुजन समाज पार्टी के नगर सेवकों ने OCW के जो अधिकारी है, हाला अधिकारी है, उनको इस समस्या को लेकर निवेदन दिया, लेकिन वो आज तक के उन जो नल को जो पानी आना चाहिए वो पानी बराबर नहीं आ रहा है और कम दबाव का पानी आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ बहुजन समाज पार्टी की ओर से मटका फोड़ आंदोलन किया गया है। आप देख सकते हो ये मटका फोड़ आंदोलन किया गया है। आपको मैं बताना चाहूँगा, ये देखिए ये मटका फोड़ आंदोलन किया गया। यहाँ पे OCW के कर्मचारी, हाला कर्मचारी बैठे थे, उनके टेबल पे ही ये मटका फोड़ा गया। आप देख सकते हो, ये कंप्यूटर भी दिखाइए, आप देख सकते हो ये नाराज जो BSP के जो नगर सेवक है, जो माजी नगर सेवक है, उनके द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये यहाँ पे आशी नगर जोन में 9 नगर सेवक है, बहुजन समाज पक्ष के 9 नगर सेवक है। मैं बताना चाहूँगा, आप देखिए आशी नगर जोन में बहुजन समाज पक्ष के 9 नगर सेवक है और 9 नगर सेवक रहने के बावजूद भी यहाँ पानी की किल्लत है। उत्तर नागपुर में ये शोकांतिका है, क्या बताओगे सर? उत्तर नागपुर जो बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पे 24/7 जो योजना है वो फ्लॉप है। वो योजना सिर्फ पश्चिम नागपुर में ठीक लगती है और 24/7 यहाँ सक्सेस नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे यहाँ के जो OCW के जो है कंज्यूमर है, वो प्रामाणिकता से पानी का बिल भरते हैं लेकिन उनको पानी नहीं मिलता है। बाड़ावपेट, इंदौरा, कपिल नगर, समता नगर, इस एरिया में बिल्कुल ही पानी नहीं है। जैसे बच्चा कैसा मुत्ता है वैसा पानी का धार आता है, लेकिन हमने प्रशासन को चेतावनी दी थी। बिल भरते हो क्या OCW को? बिल भरते हो क्या नल का? जी हाँ, बिल भरते हम, महीना यानी 3-3 महीने में बिल आता है। जी जी जी, हर महीने का आता सर बिल, हर महीने बिल आता है। नहीं, 3 महीने का बिल, 3 महीने बाद जो बिल आता है वो बराबर भरते हो, पे करते हो? और पानी का बिल भरने के बाद भी आपको पानी नहीं मिल रहा? बस पानी नहीं मिलने के कारण हम कभी टैंकर बुलाते हैं हमारे एरिया में। कितने दिनों से ये पानी की समस्या है? लगभग 1 साल पहले 15 दिन पानी आता था, 15 दिन नहीं आता था। अभी ये 15 दिन हो गए लगभग कि पानी नहीं आ रहा है। मैं बताना चाहूँगा हमारे साथ में जो प्रभाग क्रमांक का 7 की नगर सेविका लांजेवार मैडम है, उनके पति हमारे साथ में है, योगेश लांजेवार जी, हम उनसे भी जानेंगे कब से ये पानी की किल्लत आ रही है। ये पानी की किल्लत तो काफ़ी महीनों से चल रही है। बार बार हमने यहाँ पर OCW के कार्यालय के अधिकारियों को निवेदन दिए, बार बार इनके आने वाले इंजीनियर को हम बताते गए, मायानगर, विद्यानगर, इंदौरा, यहाँ पर पोल्यूटेड वाटर की समस्या है। मॉडल टाउन में बार बार कभी शाम का टाइम का बंद करा देते पानी,
कभी सुबह का बंद करा देते हैं, कभी लो प्रेशर रहता है, कभी पंपिंग चली जाती है, कभी पानी का कुछ ना कुछ वॉल ख़राब हो जाता है। ये सारी समस्या इनकी चल रही है। हम लोग समझ लेते हैं, हमको समझाना चाहते हैं, लेकिन जनता आने के बाद में बार बार पूछती कि क्या प्रॉब्लम हुआ। सारे लोगों के फ़ोन हम लोगों को आते हैं, एक एक को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। हम कई बार इनको बताएं कि भाई एकदम से प्रॉब्लम कैसा आ जाता है, अचानक ही आपको पता चल जाता है। अगर शटडाउन रहा तो ठीक है, आप दो चार दिन पहले मालूमात हो जाती, लेकिन अचानक पानी बंद हो जाता है। अभी परसों के दिन उन्होंने बताया कि शाम को मॉडल टाउन का पानी शाम का बंद हो जाएगा, जो कई सालों से चल रहा है वो बंद हो जाएगा। कल हम लोग यहाँ पर आकर थोड़ा सा बातचीत किए, तांडव किए और बताया कि अगर पानी चालू नहीं हुआ तो कल हम आंदोलन करने वाले। देखा कल उन्होंने यहाँ आने के बाद में बताया कि भाई काली चालू किए करके। कितने दिनों से ये पानी का किल्लत है? ये कई महीनों से चल रहा है। कब क्या होगा पानी का कोई भरोसा नहीं है, कब बंद हो जाएगा, कब पानी पोल्यूटेड आएगा, कब रिस्टोरेशन इन लोग खोद कर रख देंगे, कहाँ गड्ढे की, किसी को कोई जानकारी नहीं होती है। अपने मर्जी से सारा काम चलता है और जनता जब हमको कॉल करती है, जब इनसे बात करते हैं, तब पता चलता है कि यार ये प्रॉब्लम चालू था, इसके लिए हमने ये काम चालू कराए थे। अपने मर्जी से OCW काम कर रही है, ऐसी आरोप माजी नगर सेविका लांजेवार जो है उनके पति ने ये आरोप लगा है कि OCW अपने मनमर्जी से काम कर रही है, इसीलिए इस उत्तर नागपुर में पानी का किल्लत जा रहा है। हमारे साथ में और भी बहुजन समाज पक्ष के कार्यकर्ता है, महेश सहारे जी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, महेश सहारे जी आप बताइए कि ये जो उत्तर नागपुर में पानी की किल्लत आ रही है, क्या 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 कारण है कि उत्तर नागपुर में ये जो पानी की किल्लत हो रही है? यहाँ पर बहुजन समाज का प्रॉपर लोग रहते हैं यहाँ पर, और OCW का नागपुर शहर के अंदर में उत्तर नागपुर में होने का कारण ये है कि यहाँ पर बहुजन समाज जो इकट्ठा ज़्यादा पब्लिक होती है, यह बहुजन समाज को ज़्यादा पसंद करते हैं और यहाँ पर बहुजन समाज के ज़्यादातर नगर सेवक होते हैं। बहुजन समाज पार्टी के नगर सेवकों को तकलीफ देना मीन्स आने वाले महानगर पालिका में इनका पराभूत करने का एक बड़ा प्रशासन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दे के साथ में मैं इंदौरा परिसर में, मेरी मिसेस नगर सेविका है, 14 अप्रैल का कार्यक्रम को अभी हमारे पास में मात्र 7 दिन बाकी है। मैं 2 महीने से इनको बोल रहा हूँ कि रिस्टोरेशन कीजिए, आज तक इन्होंने रिस्टोरेशन किए नहीं। इंदौरा विहार से जो रैली निकलती है 5-6-7 हज़ार लोगों की, वही विहार के आगे में 2 से 3 गड्ढे बड़ी बड़ी मात्रा में। आप पूरे इंदौरा में अगर परिसीमन करते घूमते हो तो आपको पता चलेगा 30 से 40 जगह आज भी रिस्टोरेशन नहीं हुआ है। मेरे साथ इंजीनियर भी खड़े हैं, मैं उनको प्रॉपर लेकर घुमाऊँ। ये गाड़ेकर जी है, यहाँ के ZM है, ये डेलीगेट साहब है, ये हमारे कोई काम के नहीं है। मैं मीडिया को बताना चाहता हूँ, ये हमारे कोई काम का नहीं है। उत्तर नागपुर का हर नगर सेवक इनसे चिड़ खा के बैठा है। ये क्या कारण क्या है ये जो पानी का किल्लत? लोगों को तकलीफ देना, लोगों ने नगर सेवकों को गाली देना, लोग नगर सेवक को गाली देंगे मीन्स इसका मतलब इसके आने वाले महानगर पालिका में इनको मतदान नहीं करेंगे। आपकी जो मिसेस है यहाँ की जोन की, आशीनगर जोन की ये सभापति थे, माजी सभापति थे, क्या बताओगे कि ये पानी को किल्लत को लेकर क्या बताओगे? ये पानी की किल्लत हमारे यहाँ कम से कम 1 साल से चालू है, ज़्यादा। मेरे यहाँ इन्होंने लाइन डाली नवी वाली, लाइन 6 महीने हुए लाइन डाला, लेकिन लाइन को कनेक्शन नहीं दिया अभी तक इन्होंने। लोगों को कनेक्शन नहीं दिया, गंदा पानी आता करके लाइन डाल दिया, 6 महीने हो गए और 6 महीने से लगातार इनको 6 महीने से मैं बोल रहा हूँ उनको कि भैया उनको कनेक्शन देने का काम नहीं कर रहे अभी तक, और अभी बोल रहे हैं इन लोग 8 दिन में दे रहे करके अभी बता रहे वो लोग नहीं। लेकिन अभी महामानव डॉक्टर बाबासाहेब अंबेडकर जी की जयंती है और ऐसे में अगर पानी की किल्लत होती है तो क्या बताओ? नहीं, जनता तो हमारे को बोलेंगे ना, अभी हम माजी नगर सेवक गए तो अभी नगर सेवक नहीं रह के भी लोग हमारे को बोल रहे हैं पानी के कारण, और बहुजन समाज पार्टी के पूरे नगर सेवक उत्तर नागपुर में ज़्यादा है, और यहाँ पर हमारे एरिया में इन लोग हमारे बदनामी करने के लिए ये नगर से चुन के नहीं आना चाहिए, इसलिए इनका प्रयास चालू है। ये षड्यंत्र रच रहे इन लोग का, इन लोगों को आगे के चुन कर नहीं आने को ना, इसलिए हमारे को बहुत तकलीफ दे रही है। बहुजन समाज पक्ष के मैं बताना चाहूँगा, आशीनगर जोन में 9 नगर सेवक है और 9 नगर सेवक को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, ऐसे आरोप बहुजन समाज पक्ष के माजी नगर सेवक जो है उनका है, उनके पतियों का है। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे साथ में OCW के अधिकारी भी है, हम उनसे भी जानेंगे ये जो आरोप लगाया जा रहा है OCW पे कि यहाँ पे जो है पानी का किल्लत हो रहा है आशीनगर जोन अंतर्गत OCW द्वारा, लेकिन अधिकारी नहीं सुन पा रहे, क्या कारण है ये पानी के किल्लत का? पानी का किल्लत है ऐसी बात नहीं है, पानी की किल्लत तो पूरे नागपुर में है। अभी अपने तरफ डिमांड है 68 MLD की, और बाद में सुन लो, बीच नीचे आवाज़ है मेरी,
और 72 MLD पानी ले रहे हैं। हमारे एरिया में बहुत सारे काम बाकी है अभी कैपेस के, बहुत सारे जगह पे इलीगल कनेक्शन भी लिए हैं, जैसा ये बिना की का एरिया वगैरह, वहाँ पे कितना भी पानी छोड़ो तो पानी कम ही पड़ता, लोगों को पहुँचता नहीं है। उसके कारण अभी काम हो रहे हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे काम हो जाएंगे तो अपने को अभी जैसा 72 MLD ले रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 60 MLD की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। जल कुंभ कितने हैं इस आशीनगर जोन? अपने जोन में टोटल 9 जल कुंभ है और 2 अभी मतलब चालू होने वाले हैं, अगले या मे वगैरह में चालू हो जाएंगे 2 और। पानी के टैंकर कितने हैं? पानी के टैंकर नेटवर्क एरिया के लिए अभी 14 टैंकर है, तो उसमें से 100 ट्रिप डेली की होती है। प्रतिदिन कितनी ट्रिप? ट्रिप ऐसा नहीं है, नेटवर्क एरिया की ट्रिप कम ज़्यादा रहती है कभी एरिया। प्रतिदिन कितनी ट्रिप होती है? 100 के करीब होती है, कभी क्या होता है कभी 50 भी होती है। कैसा होता है, हमारा पानी आता है कनान पंपिंग से, आधा पानी आशीनगर जोन में कनान से आता है और आधा गोरेवाड़ा से आता है, तो कभी कभी कनान पंपिंग का जैसा ट्रिपिंग होती है। अभी 4 दिन कंटिन्यूस हो गया इलेक्ट्रिक सप्लाई जा रहा है कनान पंपिंग में, आज भी 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक 1.5 घंटा पंपिंग बंद रही। बहुजन समाज पक्ष के जो नगर सेवक है उन्होंने आपको निवेदन दिया था, पिछले कई महीनों से आपको निवेदन दे रहे कि पानी, ये महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती ये 2 साल बाद बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, और उत्तर नागपुर में मैं बताना चाहूँगा आपको, विशेष करके इंदौरा में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, और वहाँ ही पानी का किल्लत है। क्या कारण है और कितने दिनों में ये पानी की समस्या छूटनी चाहिए? पानी की किल्लत हर साल रहती थी, अपन ने बहुत सारे एरिया सारे जी के एरिया में बहुत सारे लाइन अभी चेंज कर दिया, नई लाइन डाली, तो इस साल नहीं रहेंगे और रहेंगे भी इतने दिनों में ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, क्योंकि 14 अप्रैल आ रही है। प्रॉब्लम मैंने पानी का नहीं है, साफ का प्रॉब्लम अभी बताया जा आपको, ज़्यादा प्रॉब्लम इनका थोड़ा रजिस्ट्रेशन का है, वो मैं 3-4 दिन में करवाता। गाड़ेकर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप पे बहुजन समाज पक्ष के जो नगर सेवक है उनका काफ़ी रोष है, क्या कारण है आप पे इतना रोष बहुजन समाज पक्ष के नगर सेवकों का? रोष अभी उसमें तो बोल नहीं सकता रोष क्यों है करके, बट हम यहाँ पे एज अ कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, हमें जो भी गाइडेंस मिलता है वो NMC से मिलता है, NMC जिस जो डायरेक्शन देगी उस डायरेक्शन में हम काम करते हैं, इट माइट बी उस कारण भी हो सकता है। क्या लगता है आपको भेदभाव हो रहा है? 9 नगर सेवक जब आशीनगर जोन में 9 नगर सेवक BSP के हैं और बाकी बीजेपी के और कांग्रेस के हैं, तो क्या लगता है आपको BSP के नगर सेवकों को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है आपके माध्यम से, ऐसा लगता है? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं लग रहा है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे जोन में बहुत सारे काम आधे अधूरे हुए हैं, जो ITIP के जो काम थे वो कंप्लीट हुए नहीं है, उस कारण सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, और स्पेशली सर लोगों के एरिया में ही काम बाकी है, बाकी एरिया में काम हो चुके हैं। महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 2 साल बाद जयंती मनाई जा रही है इंदौरा में, बड़े धूमधाम से हमारे उत्तर नागपुर में मनाई जाती है, कब तक की ये समस्या यानी ये प्रॉब्लम कब तक के सॉल्व हो जाएगा? सर अभी सहारे सर का जो भी इशू है वो जैसे सर ने बोला 3-4 दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे पूरा। बताना चाहूँगा कि 3-4 दिन के भीतर रात दिन काम करके OCW ये जो इंदौरा परिसर में जो पानी का प्रॉब्लम है और वो जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने का आश्वासन यहाँ के OCW के अधिकारियों ने दिया है कि 4 दिन में ये हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी रमजान का महीना भी है, हमारे साथ में इब्राहिम जी है जो माजी नगर सेवक है BSP के, क्या बताओगे? मैं ये बताना चाहता हूँ आशीनगर जोन अंतर्गत OCW जो यहाँ पे कार्यालय बनाया गया है महानगर पालिका तरफ, यहाँ के जो अधिकारी जो लोग हैं जिनके ऊपर में जो जिम्मेदारी दी गई है वो ये बोलकर हट जाते हैं कि हमको ऊपर से एक्शन मिला है, जबकि पानी की कोई कमी नहीं है, प्रकृति ने ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से पानी इस साल बराबर आया हुआ है और पानी अपने पास में स्टोर करा हुआ है, उसके बावजूद ये लोगों को परेशान कर रहे हैं और यहाँ इसलिए परेशान कर रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर आशीनगर में 9-10 नगर सेवक चुन के आए हुए हैं, 200 नगर सेवक को हलाकान करने के लिए अगर पानी नहीं मिलेगा तो लोग इनसे नाराज होंगे और इनको अगली बार चुन के नहीं देंगे, ये इनकी नीति है, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी नीति है, लेकिन इनका कहने का मतलब यह है कि ऊपर से हमको अट्रैक्शन मिला कि पानी कम दो, ऐसा कभी हो सकता क्या? ऊपर से अट्रैक्शन मिलेगा पानी कम दो, इनसे पूछो कि भैया रमजान का महीना है अभी हमको ज़्यादा पानी लगता है थोड़ा सी, क्योंकि रोज़ा रखता है, सुबह 5 बजे इंसान उठ जाता है, उसमें 1-2 बार नहाना पड़ता है, इसलिए पानी की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, 14 अप्रैल आने वाली है, त्यौहार का टाइम है, मैं बारंबार आके बोल रहा हूँ इनको, डेलीगेट साहब को बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो अधिकारी है उनको ये बोल रहा हूँ कि भैया पानी की आवश्यकता है, 4 लोगों को पानी मिलता है और 10 लोगों को पानी नहीं मिलता, पानी का फोर्स इतना है कि जैसे इंसान पेशाब कर रहा हो ऐसा पानी आता है हमारे क्षेत्र में, और दूसरी बात, 1 घंटा या 2 घंटा देते हैं पानी,
बहुत एरिया में एक घंटा देते हैं, बहुत एरिया में दो घंटा। अब ये बताओ, हमारा जो क्षेत्र है वो सलम क्षेत्र है, सलम क्षेत्र होने के वजह से पुरानी लाइनें बन रही हुई है। मैंने यहाँ तक के बोला है इनको मेरे क्षेत्र की तमाम लाइनें बदली जाए, क्योंकि गंदा पानी आता है। अभी मेरे जेब में देखो मोबाइल है, और अभी बज रहा होगा तो उसमें यही कंप्लेंट आ रही है कि पानी गंदा आ रहा है। पानी गंदा आने की समस्या इतनी है कि पूछो नहीं। ऊपर से ये दो घंटा पानी, एक घंटा पानी देते हैं, जिसमें से आधा घंटा हमको पानी बहाना पड़ता है, उसके बाद में भी पानी नहीं मिलता हमको। एक घंटे के बाद में लड़के पी के बीमार हो रहे। उसको बारंबार पंच भाई से मैंने कंप्लेंट किया यहाँ से, लेकिन वो मसला हल होना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे बहुजन समाज पक्ष के बहुजन, आप देख सकते हो, ये देखिए, ये सहारे साहब हैं, इनकी मिसेज नगर सेविका है। ये देखिए, आप दिखाइए थोड़ा सा, ये देखिए, ये इंदौरा का नज़ारा है, आप देख सकते हो। और अभी महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाएगी 2 साल बाद इंदौरा में, और विशेष करके उत्तर नागपुर में, पूरा उत्तर नागपुर में 2 साल बाद महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। और ऐसी में पानी की किल्लत, और ये जो सहारे साहब ने जो बताया है, इनकी मिसेज वहाँ की नगर सेविका है, बहुजन समाज पक्ष के आशीनगर झन में 9 से 10 नगर सेवक है। नगर सेवकों को ये BSP के नगर सेवकों को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, ऐसी आरोप इन नगर सेवकों ने किया है। और इसीलिए नाराज नगर सेवकों ने आज OCW उत्तर नागपुर आशीनगर जोन अंतर्गत आने वाले OCW कार्यालय में मटका फोड़ आंदोलन किया है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, WH News। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाँ आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम।